मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। टिक्नोमेट्री की इस सीरीज़ के अंदर आज अपना जो नया टाइप अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस कभी कभार एक अलग चैप्टर भी मेंशन होता है कि हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो ये टिक्नोमेट्री का एक पार्ट है। लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ क्वेश्चन, 4 या 5 क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दिए थे, तो सबसे पहले अपने उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए अब क्या है। 4 क्वेश्चन दिए थे आप इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर। पहला क्वेश्चन है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू है 5 और आपसे पूछा है साइन की पावर 4 थीटा प्लस कोसेक की पावर 4 थीटा। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका सेम क्वेश्चन हो गया। अगर अपने अलजेब्रा से लिंक करें, अलजेब्रा में ये क्वेश्चन होता तो ये ऐसे होता है कि कोसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको एक्स मान लो आप, एक्स प्लस 1/x की वैल्यू है 5 और आपसे रिजल्ट पूछा गया है एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो कैसे करेंगे, दो बार स्क्वायर करेंगे। 25 - 2 = 23, राइट साइड का स्क्वायर -2 23, 23 का स्क्वायर 529 -2 527, इसका हो गया आंसर। सबसे पहले क्या किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, उसके बाद ये नंबर। कहने का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/ या प्लस कोसेक के स्क्वायर थीटा, ये 1/ साइन ही है, ये तो आप पहले वाले लेक्चर में क्लियर ही है आपको। फर्स्ट स्टेप ये हो गया आपका। सेकेंड, 5 का स्क्वायर -2, 25 में से 2 गए, कितना आया 23। अब ये सेकेंड स्टेप के लिए ये काम करेगा, राइट हैंड साइड इसकी वैल्यू है ये। अब ये रिजल्ट आया आपका, 23 का स्क्वायर 529 में से 2 माइनस किया तो ये रिजल्ट हुआ 527। इसका आंसर कितना आ गया, 527। आपको ये बताया था कि ऑप्शन में आपको ये देखना है जो वैल्यू दो जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर है, 529 23 का स्क्वायर है। मैंने आपको बोल दिया कि आपको 30 तक के स्क्वायर 15 तक के क्यूब आपको याद होने चाहिए, इससे आप क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर दे सकते हैं। ये आपका पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए अब क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 3। कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है 3। आपसे जो रिजल्ट पूछा गया है वो पूछा गया है कोसेक थीटा का। देखो आपको पॉइंट क्या बताया था कि जब क्वेश्चन कोसेक और कोट का हो या क्वेश्चन सेक और टेन का हो, क्योंकि कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर बराबर 1 होता है, आपसे पहले वाला पूछा है तो 3 का उल्टा 1/3, दोनों को जोड़ दो, 2 से डिवाइड कर दो, ये कितना आ गया 9 और 1 = 10। 10 3 और 2 कितना हो गया 6। इसको सॉल्व किया, ये रिजल्ट कितना आ गया 5, ये आ गया 3। फाइनल आंसर आपका कितना आ गया, 5/3। अगर इस क्वेश्चन में पूछा जाता कोट तो यहाँ आता माइनस, इसके अलावा कोई और पूछा जाता तो राइट एंगल ट्राइंगल बना के हम बाकी की वैल्यू निकाल सकते थे। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट करिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है 2। कोस अल्फा प्लस कोस बीटा की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 2। आपसे पूछा है टेन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस 5 का रिजल्ट क्या होगा, ये पॉइंट आपको बताइए। अब आप हिट एंड ट्राई लगाओ आप इसके अंदर, ये 2 कब आएगा, कोस की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, जब ये 1 होगा ये 1 होगा, कोस कितने डिग्री रखें कि 1 आए, इसका मतलब अल्फा और बीटा इन दोनों की जगह आपको रखना पड़ेगा 0 डिग्री। अगर आप 0 डिग्री रखोगे इस जगह पर, टेन 0 डिग्री 0 होता है और साइन 0 डिग्री भी 0 होता है और 5, अगर आप इन सबको ऐड करोगे तो फाइनल आंसर आपका कितना आएगा, 5। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा की वैल्यू है 2 और ये अंडर रूट में है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अंडर रूट के अंदर, ये वैल्यू कितनी दे रखी है 2। आपसे पूछा है 4 टेन अल्फा प्लस
5 10 बीटा का रिजल्ट क्या होगा, अल्फा और बीटा इसके अंदर क्या है, एक्यूट एंगल है, अल्फा और बीटा क्या है, न्यून कौन है इसके अंदर। देखो ये रिजल्ट क्या आएगा, जब ये एक होगा ये एक होगा, 10 क्या वैल्यू पुट करें कि एक आए, 45 डिग्री, इसका मतलब अल्फा और बीटा की जगह आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 45 डिग्री। अब यहाँ 45 डिग्री आपने रखा तो ये एक हुआ 4 × 1 = 4, यहाँ भी 45 डिग्री आपने पुट किया तो ये कितना हुआ 5, 4 और 5, फाइनल आंसर आपका कितना हुआ 9। एक एक लाइन के अंदर सॉल्यूशन है। मैं आपको मैंने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का NTPC के अकॉर्डिंग जितना भी पॉइंट आता है वो सारा पढ़ा दिया। अब ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टाइप, अपने जो सेकंड पार्ट है हाइट एंड डिस्टेंस, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें क्वेश्चन जो है आपका साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले फॉर्मूले नहीं आते, वो SSC पे आते हैं। यहाँ मैंने NTPC को कवर किया, आपके ग्रुप डी को कवर किया है। तो आज की जो क्लास है वो अपनी हाइट एंड डिस्टेंस की है, नोट करिए इसे। तो अब अपने पढ़ने जा रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस। ऊंचाई mm दूरी, देखो कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, लगभग एक क्वेश्चन फिक्स है, 1 से 2 क्वेश्चन इसके एग्जाम में आते ही आते हैं। आप रेलवे का उठा के देखो, एक SSC का उठा के देखो, कभी कभार 2 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस कई बच्चों को बहुत टफ लगता है कि बहुत टफ ये टाइप है, समझ में नहीं आता। मेरे हिसाब से हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का सबसे इजी टाइप है, जिसके अंदर कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना। कुछ इसके रिजल्ट्स हैं वो क्यों आए मैं आपको बताऊंगा। इसका कोई भी क्वेश्चन 8-10 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि आप देखते टिक कर सकते हो, अगर वो उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हुआ तो। पहले मैं इसकी थ्योरी समझाता हूँ क्या है हाइट एंड डिस्टेंस में। क्या है कि जैसे आपने मान लो कोई एक डायग्राम बनाया, जैसे ये आप इस जगह पर खड़े हैं, ये कोई टावर है, ये क्या है टावर, और इस जगह पर आप खड़े हो, आप टावर के टॉप पॉइंट को देख रहे हो यहाँ से, ये क्या 90 डिग्री। अगर आप नीचे से किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे अपने ऊपर देखे तो हमारी आंखें ऊपर जा रही है, अगर अपनी आंखें ऊपर जा रही हैं तो ऊपर से आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट का आपकी आइस पे जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इस ऑब्जेक्ट का पूरे का आपकी आइस पे जो एंगल बनेगा उसे बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण, इसका उसे उन्नयन कोण भी बोल सकते हैं, इसे आप उन्ताश कोण भी बोल सकते हैं, उन्ताश कोण। लेकिन इंग्लिश नाम आपको जरूर क्लियर होना चाहिए, कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो आप इंग्लिश में एलिवेशन, जैसे एलिवेटर मॉल वगैरह में एलिवेटर जो होते हैं ऑटोमेटिक स्टेज जो चलती है, अगर आप टॉप पर जा रहे हैं तो इसका मतलब एलिवेशन, नाम से क्लियर हो रहा है। अब आप सोचो कि मान लो कि किसी जगह पर आप टावर पर बैठे हो, इस जगह पर यहाँ बैठ के आप नीचे देख रहे हैं, तो नीचे देखने के लिए पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ जो एंगल होगा ये वाला, अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे मान लो मैं मार्कर को देख रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने इस मार्कर को ऐसे देखा, तो इस मार्कर का मेरी आँख में जो कौन बनेगा वो बनेगा उन्नयन। अगर इस मार्कर को मैं नीचे कर दूँ तो मेरी आँखें अब नीचे झुक रही है, तो अब होगा अवनमन कौन, ये जो पॉइंट है इसे बोलेंगे अवनमन कौन। इस इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, नाम से क्लियर हो जाती है सारी चीज। डिप्रेशन इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण, या इसका दूसरा नाम क्या है अवनति कोण, अवनति कोण, क्लियर है। देखो डिप्रेशन में, जब आदमी डिप्रेशन में होता है, कभी भी आदमी जब डिप्रेशन में होगा तो उस समय उसकी आंखें झुकी हुई होती है। आंखों का झुकना मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब अवनमन कोण, अगर ऊपर है तो एंगल ऑफ एलिवेशन, किसी पॉइंट को ऊपर देख रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्लियर। अब आप देखो कि अब आप इसके अंदर आप ज्यामिति लगाओ, मान लो कि कोई क्वेश्चन कर रहे हो आप ऊपर से किसी पॉइंट को देख रहे हो तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब ज्यामिति का कंसेप्ट लग रहा है, ज्योमेट्री का, पैरेलल लाइंस को अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट करे, तिर्यक रेखा कट करे, तो जेड की शेप में उल्टा जेड या सीधा जेड जो हो इसे बोलते हैं एकांतर कोण। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं। उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन,
और अवनमन कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। पहला पॉइंट ये। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, मान लो किसी क्वेश्चन में आपको ऊपर का ये वाला एंगल बनाना है, ऊपर के एंगल बनाने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको पता है ये वाला एंगल और ये एंगल सेम है, तो ये एंगल बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लो आप, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये पॉइंट समझ लेना आप, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर जब आप ये पॉइंट लिख रहे हो ये वाला, इसे क्या बोलते हैं, इस ये एक तो ऊंचाई हो गया, इसे एक क्या बोलेंगे इस पॉइंट को, ये तो ऊंचाई हो गया हाइट। पहले कम से कम क्लियर तो हो कि अपने चल क्या रहा है इसके अंदर, ऊंचाई हो गया। या इसे ऊर्ध्वाधर दूरी भी बोलते हैं, वर्टिकल, ये ध्यान रखना है आपको। ये नीचे क्या है, ये टावर है, इसकी जो छाया है वो नीचे पड़ रही है, तो ये क्या है, ये वाले जो पॉइंट होगा इसे बोलेंगे छाया की लंबाई, छाया, या इसे बोल सकते हो आप परछाई, लेंथ ऑफ शेडो, इसे आप क्षैतिज दूरी भी बोल सकते हैं। ये पॉइंट जो है वो क्या है, क्षैतिज दूरी, क्लियर। ये जो पॉइंट है, ये वाली लाइन जो है, इसे बोलते हैं सीधी रेखा, लाइन ऑफ साइट, सीधी रेखा। अब सीधी रेखा का एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है जैसे आप पतंग उड़ा रहे हो, जैसे पतंग ऐसे उड़ता है ऐसे, पतंग के डोर की लंबाई, इसका एग्जांपल क्या होगा, पतंग के डोर की लंबाई। और एग्जांपल क्या हो सकता है, जैसे सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी आपने किसी दीवार पर रखी हुई है, मान लो ये दीवार है ऐसे रखी मैंने, तो सीढ़ी ऐसे होगी, तो ये क्या हो गया, सीढ़ी की लंबाई। कहने का मतलब जब कोई क्वेश्चन सीढ़ी वाला आएगा, सीढ़ी रखी हुई है, तो इसका मतलब वो उसके हाइपोटेनियस की बात कर रहा है, उसके कर्ण की बात कर रहा है। अब ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप देखो कि एंगल जो है वो क्या क्या बन सकते हैं। अगर मैं इस थीटा की बात करूं, अगर मैं इस थीटा की बात करूं, आपको कौन कौन से एंगल पता है, आपको एंगल पता है 0 डिग्री, एक पता है आपको 30 डिग्री, एक पता है आपको 45 डिग्री, एक आपको पता है 60 डिग्री, और एक आपको पता है 90 डिग्री। अब आप दिमाग लगाओ कि अगर ये एंगल 0 डिग्री है, 0 डिग्री का मतलब ये वाली लाइन जो है वो टूटकर यहाँ आ जाएगी ऊपर। 0 डिग्री का मतलब, पहली बात तो 0 का मतलब 0 नहीं है, 0 का मतलब टेंडिंग टू 0, 0 के आसपास, मतलब 0.0001। इसका मतलब अगर आप 0 भी मानो तो ये लाइन टूटकर यहाँ आई, कोई ट्राइंगल नहीं बना, ट्राइंगल पहले या ट्रिग्नोमेट्री बाद में, जब ट्राइंगल ही नहीं बना तो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे, तो इसका मतलब क्वेश्चन में 0 डिग्री नहीं होगा। फिर आप देखो अगर अपने 90 डिग्री की बात करें, अगर ये 90 डिग्री हुआ, किसी ऑब्जेक्ट को आप 90 डिग्री से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो आपकी गर्दन के टूटने के चांस 100% है। तो ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको नुकसान हो। इसका मतलब यहाँ जो एंगल होगा वो 90 डिग्री भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एंगल कौन सा होगा, या तो 30 डिग्री होगा, या 45 होगा, या 60 होगा, क्लियर है। अब आपके पास चॉइस है। अब यहाँ कोई अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दे रखा है, तो आप यहाँ क्या यूज़ करोगे, लाल वटा गक्का यूज़ करेंगे। एक ये हो सकता है जिसे आप PBP/HS भी बोलते हैं, ये अब आपको क्लियर है, ये टाइप मैंने आपको करवा भी दिया है। या आप क्या करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के रेशो आपको याद होने चाहिए। सबसे बेस्ट है कि अगर आपको रेशो याद है, आप क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर सकते हैं। कैसे, अगर 30 डिग्री लिखा हुआ है, मान लो यहाँ लिखा हुआ है 30 डिग्री, अगर यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप लिखो यहाँ क्या है, एक, ये क्या है अंडर रूट 3, और इस जगह पर क्या लिखा हुआ है 2। एक्चुअल में ये 10/30 का मान है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 1/√3 होता है, और ये आया, इसके स्क्वायर में इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे, अंडर रूट 1 3 4 का अंडर रूट कितना आ गया 2। 30 डिग्री का रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। अगर 45 डिग्री है, मान लो किसी जगह पर आपने 45 डिग्री लिखा, 45 डिग्री, ये अगर आपको याद हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस इतना ईजी है कि आपको शायद इस चीज़ का आइडिया भी नहीं होगा कि इतने ईजी क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। 45 का मान 10/45 लंब बटा आधार, दोनों एक एक होंगे, यहाँ एक आएगा, यहाँ एक आएगा, और यहाँ रूट 2 आएगा। इसका मतलब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पहला पॉइंट तो ये आपने याद कर लिया, दूसरा आपको ये याद रखना है कि थीटा अगर 45 डिग्री है, उस कंडीशन के अंदर आपका लंब और आधार, कहने का मतलब ऊंचाई और ये बेस जो आधार है, ये आपस में क्या होगा, बराबर। ऊंचाई मतलब हाइट, बेस क्षैतिज दूरी से बी मान लो आप, ये आपस में क्या होगा, बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, आपने 30 डिग्री कवर कर लिया, 45 कवर कर लिया, अब अपने कवर कर रहे हैं 60। मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री आते ही यहां जो मान आएगा वो अंडर रूट 3 आएगा, यहां मान आएगा 1 और यहां मान आएगा 2। ये 60 डिग्री का तीसरा पॉइंट आपको कवर होना चाहिए कि 60 डिग्री आंसर आते ही आपको अंडर रूट 3, 1 और 2 लिखना है।
आपके जो क्वेश्चन आएंगे या तो 30 डिग्री होगा या 45 होगा या 60 होगा, इससे कंपेयर करेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी है, आंसर मैक्सिमम क्वेश्चनों के जो आंसर हैं 8-10 सेकंड के अंदर, 4-5 सेकंड के अंदर आ जाएंगे। अभी मैं आपको इसका एक बार क्वेश्चन के थ्रू आपको रिविजन करवाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि कितना ईजी ये टाइप है। हर चैप्टर ईजी है, हर चैप्टर ईजी है। आप नंबर सिस्टम उठा लो, आप अलजेब्रा उठा लो, चाहे एसएससी का उठा लो, चाहे आपका एनटीपीसी का उठा लो, बशर्ते कि आपने कितना उसे सीक्वेंस से पढ़ाई की है। सीक्वेंस हर चीज़ जिस जगह पे आ रही है, अगर आप उस एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कोई भी चीज़ आपके लिए टफ नहीं है। आपको क्वेश्चन बनाने तक आने चाहिए। मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनाने तक सिखा दूंगा आपको। जैसे अभी तक नंबर सिस्टम आपको क्वेश्चन बनाने सिखा दिए, अलजेब्रा की प्ले लिस्ट उठा के देखो आप, लगभग आपको हर क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि क्वेश्चन खुद डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे चैप्टर चल रहे हैं क्वेश्चन बनाओ आप, पहले उसको ऑटोमेटिक उसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा समझ में आएंगी चीजें। एक बार इसे नोट करो आप। देखिए आप क्वेश्चन करने से पहले जो भी आपको पॉइंट बताए मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन बनाने भी आ जाएंगे। पहले अपनों ने डिस्कस किया है 30 डिग्री। अगर ये पॉइंट आपका 30 डिग्री है तो ये मान हुआ एक, ये हुआ अंडर रूट 3 और ये हुआ 2। अगर ये मान 60 डिग्री है, ये मान आपका 60 डिग्री है तो ये है अंडर रूट 3, ये है 1 और ये है 2। अगर ये 45 डिग्री है, ये वाला पॉइंट अगर आपका 45 डिग्री है तो ये मान होगा आपका 1, ये 1 और ये कितना हुआ अंडर रूट 2। ये तीन अगर आपको रिजल्ट याद है, बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। देखो कैसे, जैसे मान लो कि मुझे इस पे क्वेश्चन बनाना है, पहले वाले फर्स्ट वाले पॉइंट पे क्वेश्चन बनाना है। देखो आप अपने क्या करेंगे, जैसे मान लो कोई सीडी की बात कर रहे हैं, सीडी क्वेश्चन बनाया अपनों ने, क्वेश्चन ले लो आप। जैसे एक सीडी है जिसकी लंबाई, सीडी की लंबाई जो है वो 60 मीटर है, या 60 मीटर है, जमीन के साथ इस तरीके से रखी गई है कि वो कौन जो है वो कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। किसी दीवार के साथ एक सीढ़ी रखी हुई है, 60 मीटर उसकी लेंथ है, जमीन के साथ कितने डिग्री का कौन बना रही है, 30 डिग्री का कौन बना रही है। आपको ये बताना है कि वो सीढ़ी जो दीवार को टच कर रही है उसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी, ये वाला पॉइंट। दोबारा से देखो क्वेश्चन, मैं आपको इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस कराऊंगा, लास्ट में आपको क्वेश्चन दे दूंगा। मैं आपको पैटर्न बोल बोल के बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। एक सीढ़ी जिसकी लेंथ जो है लंबाई 60 मीटर है, 30 डिग्री का कोण बना रही है, दीवार के साथ ऐसे रखी हुई है कि 30 डिग्री का कोण बना रही है, सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। आपने कंपैरिजन किया 1√3 और 2 के साथ, क्योंकि 30 डिग्री आती है आपके दिमाग में आएगा 1 रेशो और ये कितना है अंडर रूट 3, ये कितना है 2। अब आप सोचो कि ये दो रेशो एक्चुअल में किसके बराबर है, 60 मीटर के बराबर है, तो एक रेशो का मान कितना हुआ 30। अगर एक 30 है तो इसका मतलब ये ऊंचाई आपसे पूछा है, इसको अपने 30 से गुणा कर देंगे तो फाइनल आंसर हमारा कितना आएगा, 30 मीटर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आपका आंसर। पॉइंट क्लियर है, ये आपका पहला आंसर हो गया। अब मान लो कि इसी पे कोई क्वेश्चन और बनाए, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड देखो आप। क्वेश्चन सेकंड है, मान लो अपने यहाँ एंगल ले रहे हैं 60 डिग्री और ये सीडी वाला क्वेश्चन लिया था इस जगह पर, अब अपने क्वेश्चन ले रहे हैं पतंग वाला कोई, क्लियर है। एक पतंग जो है वो जमीन के साथ 60 डिग्री की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 60 डिग्री की ऊंचाई पर, और वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, जैसे मान लो वो 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, 100 मीटर की ऊंचाई पर। आपको ये बताना है कि पतंग के डोर की लंबाई क्या होगी, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, पतंग के डोर की लंबाई, पतंग ये रहा, इसकी डोर की लंबाई ये, इसका मतलब एग्जामिनर क्या कर रहा है, ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहा है। तो जैसे ही 60 डिग्री आया आपके दिमाग में आएगा अंडर रूट 3, 1 और 2। ये आ गया आपका अंडर रूट 3, ये पॉइंट हो गया आपका 1 और ये पॉइंट हो गया आपका 2। अब आपको पता है अंडर रूट 3, 1 और 2, एक्चुअल में ये अंडर रूट 3 100 मीटर है, क्योंकि क्वेश्चन दोबारा से समझो आप, एक पतंग जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, जमीन से 60 डिग्री का कोण बना रहा है। आपको ये बताना है कि पतंग के डोर की लंबाई, पतंग के डोर की लंबाई या सीढ़ी की लंबाई, दोनों का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब आपने देखा अंडर रूट 3, 1 और 2 है, ये अंडर रूट 3 जो है वो 100 के बराबर है, आपको मान निकालना है 2 का, बहुत ईजी है। ये अंडर रूट 3 किसके बराबर है, 100,
के बराबर है, दो का मान निकालना है, एक का मान निकालो पहले आप, ये कितना आ गया 100/√3। दो रेशो का मान निकालना है, 200 से दो से मल्टीप्लाई कर दिया, 200/√3 मीटर इस क्वेश्चन का फाइनल हो गया आपका आंसर। कितना इजी है, क्वेश्चन खुद डिज़ाइन करिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश करो, बहुत मज़ा आएगा आपको। अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन इस पे बना के देता हूँ, फिर इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, आपको और क्लियर हो जाएगा, नोट करो आप इसे। अगर अपने 45 डिग्री पे एंगल बनाए, जैसे मान लो अब इस पे क्वेश्चन बनाना अपने को, ये वाला, इसको ऐसे लिखो, जैसे एक व्यक्ति है वो टावर से 40 मीटर की दूरी पर, एक व्यक्ति टावर के बॉटम से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से टावर के शिखर के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है, आपको टावर की ऊंचाई बतानी है। क्वेश्चन 45 डिग्री आते ही आपको पता है ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, मैंने आपको पॉइंट लिखवाया था कि हाइट और जो बेस है वो आपस में होंगे सेम। 45 डिग्री आते ही आप तुरंत बता दोगे कि ये 40 है, तो इसका मतलब ये आंसर भी कितना हुआ 40, इसका मतलब ये वाला रिजल्ट आपका कितना हुआ, क्योंकि अगर एंगल 45 डिग्री है उस केस के अंदर ऊंचाई और नीचे का जो बेस है आधार, वो दोनों आपस में क्या होंगे बराबर। अगर ये 40 मीटर है तो इसका मतलब ये वाला मान भी कितना होगा 40 मीटर, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको रेशो बना के करना है, आप चाहते हो कि मैं इस रेशो से क्वेश्चन सॉल्व करूं, रेशो बना के कर लो आप, 45 डिग्री आते ही आपने यहाँ क्या लिखा एक, ये वाला मान कितना है एक, ये वाला मान कितना है √2। अब ये एक 40 है तो ये वाला एक भी कितना हुआ 40, क्योंकि एक का मान 40 है तो इस एक का मान भी कितना होगा 40, तो फाइनल आंसर आपका कितना आया 40 मीटर, ये इसका आंसर आ गया। अगर आप इस पे क्वेश्चन बनाना चाहते हो, कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है कि वो इन दोनों में से, इन तीनों में से किसी दो के मान देकर तीसरा आपसे एंगल पूछ लेता है, और NTPC में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं। कैसे, जैसे मान लो कि पहला क्वेश्चन है, यदि पतंग के या टावर लो आप, यदि किसी टावर की या पेड़ की ऊंचाई और उसका आधार दोनों आपस में बराबर है, ये और ये दोनों वैल्यू बराबर है, थीटा का मान बताओ। अब आप बताओ, ये अगर ये दोनों बराबर हैं, दोनों अगर बराबर हैं तो थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, तो यहाँ से आप इसका एंगल कितना बता दोगे 45 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको मान लो ये कोई क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी पेड़ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 है, छाया जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ, लेंथ ऑफ शेडो जो है वो ऊंचाई की √3 है, तो आपको ये बताना है कि थीटा का मान कितना होगा। ऊंचाई की √3 है, ऊंचाई को अपने मान लिया एक, छाया मतलब ये वाला बेस, ये कितना √3, ये वाला एंगल आपसे पूछा है थीटा। अब आप बताओ कि एक और √3 किस में दिखाई दे रहा है आपको, एक और √3 आपको दिखाई दे रहा है 30 डिग्री में, तो आप यहाँ बता सकते हो कि ये वाला एंगल जो होगा वो कितना होगा 30 डिग्री। इस तरह के नॉर्मल क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो आप एक बार। एक क्वेश्चन इसके अंदर आता है, पेड़ जब टूट जाता है, पेड़ के टूटने वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब पेड़ टूटता है, इस तरह का क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसको कैसे करते हैं। जैसे मान लो अब लैंग्वेज को पढ़ना, आप, मैं क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस के, लास्ट में आपको क्वेश्चन दूंगा NTPC के 6-7 क्वेश्चन, एंड आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की दो क्लासें लगेंगी आज और कल, अब ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर अपने नया टाइप पढ़ेंगे कोई भी। तो अगर पेड़ के टूटने पर कोई क्वेश्चन बनता है, देखो क्वेश्चन करने से पहले एक आपसे ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है कोई भी चीज़, अगर आपको लाइक, आप लाइक नहीं करते इस चीज़ को भाई, इसके आपके पास में एक बटन है लाइक का, उसको प्रेस करना चाहिए। कम से कम आपको चीज़ें अगर मिल रही हैं, आप वीडियो देख लेते हो, उसको कम से कम अच्छी, कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसे अप्रिशिएट करना ज़िंदगी में सीखो आप। अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि यार आपका लाइक और आपका शेयर ये समानुपाती है यूट्यूब पर आपकी कितनी क्लासें आगे कंटिन्यू रहती है और कितनी बेस्ट क्वालिटी की रहती है। जितने ज़्यादा लाइक, जितने ज़्यादा शेयर, उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर, उतनी बड़ी फैमिली, उतना अच्छा कॉन्टेंट, उतना आपको फ़ायदा, उतनी अच्छी आपकी रैंक, उतनी बढ़िया आपकी, आपके आगे के आगे जो सिलेक्शन है उसके सक्सेस रेशो उतना ज़्यादा।
ये सारा समानुपाती है। अगर आपको इस चीज़ पे विश्वास है, आपको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में, जितने भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप हैं, उन सब पे शेयर करना चाहिए, ताकि बच्चों को पता लगे कि एक्चुअल में यूट्यूब पे अगर कोई बंदा इस तरीके से पढ़ा रहा है तो उसमें कोई, देखो आप कितना की ढंग की क्वालिटी, ढंग का कंटेंट क्या होता है। आधे घंटे की क्लास के अंदर हम यहाँ 25-25, 20-20 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, कितनी बड़ी बात है, आपके समय की कदर है, समझ रहे हो आप सिर्फ 30-35 मिनट दे रहे हैं, उसके बदले में 20-25 क्वेश्चन अगर आपके हर रोज़ अगर आप कर रहे हैं कंटिन्यूटी के साथ बने हुए, क्या पढ़ा है, कितना इसका रिजल्ट आएगा, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। ये मैं हमेशा बोलता हूँ क्लास के अंदर। पेट टूटने वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो कि मुझे क्वेश्चन इस पर बनाना है, ये कह रहा है एक पेड़ है, जैसे मान लो ये पेड़ बनाया अपनों ने, ये पेड़ है, तेज हवा के कारण, हवा तेज चली, पेड़ ऐसे से हिलने लग गया, कभी इधर जा रहा है कभी इधर जा रहा है, तो ये पेड़ तेज हवा के कारण बीच में कहीं टूट जाता है, मान लो यहाँ टूट गई इस जगह पर, जैसे ये पेड़ टूटा, जैसे ये टूटेगा तो ऐसे लटक जाएगा ये, तो जिस बिंदु पर ये लटक रहा है, ये वाला भाग देखो आप, ए ये पॉइंट आपका, बी ये सी, ये बी सी जब टूटा तो ये पॉइंट ऐसे गिर गया, तो ये पॉइंट नीचे आ गया, ये पॉइंट आ गया आपका यहाँ, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है आपका, इसको मैं यहाँ ऐसे बना देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, ये वाला, ये पोर्शन नीचे गिर गया, ये टूट के, ये वाला पोर्शन। अब ये ए पॉइंट जो है वो यहाँ आ गया, ए डैश। क्वेश्चन को समझना ध्यान से, एक पेड़ तेज हवा के कारण, आंधी के कारण बीच में कहीं टूट जाता है, टूट जाने के बाद जो भाग इसका लटक रहा है वो पेड़ के बॉटम के साथ, बॉटम से मान लो 50√3 मीटर की दूरी पर है, 50√3 मीटर की दूरी पर है, और यह बॉटम के साथ, और यह जो नीचे जो प्लेन जगह है उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। आपको ये बताना है पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। टोटल हाइट आपको बतानी है, कुल ऊंचाई। इसमें बच्चा क्या करता है, एक्चुअल में क्या करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन में मज़े आ जाएंगे आपको, कि वास्तव में इस तरीके का सॉल्यूशन भी होता है क्या। कहते ना कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा आपका। देखो कैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री आते ही यहाँ आपने रेशो बनाया फर्स्ट वाला, ये मान कितना हुआ एक, ये मान हुआ आपका √3, और ये मान हुआ आपका 2। बच्चा क्या करता है, देखो बच्चा को इस तरीके से उसको समझाया जाता है कि जैसे पहले मान उसने निकाला ये, पहले मान लो स्कूल लेवल पर वो लाल बटा गक्का में 10 यूज़ करता था, 10 थीटा लंब बटादार, पहला स्टेप 10, फिर ये आया, फिर उसने सोचा कि अब ये वाला मान निकालना है, तो ये वाला मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, या अगर ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है या तो सेकेंड स्टेप में पाइथागोरस, या इसके थ्रू ये निकालना है तो साइन थीटा, या इसके थ्रू ये निकालना है तो कोस थीटा, तो ये वाला मान निकाला, फिर ये वाला मान दोनों सेम है क्योंकि यही तो भाग लटका हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। पहले उसने ये निकाला, दूसरा स्टेप ये निकाला, दूसरे स्टेप में भी 3 तरीके मैंने आपको बता दिए, तीसरा इन दोनों को ऐड किया, मतलब क्वेश्चन को 3 स्टेप में कर रहे हैं। मैं इस क्वेश्चन का आपको बताऊंगा, इस क्वेश्चन का पढ़ते पढ़ते कैसे टिक कर दोगे, कैसे देखो आप, एक √3 और 2, मौखिक सोचो आप, अगर ये 2 है, ये भी तो 2 है भाई, 2 वाला पोर्शन ही तो नीचे टूटा हुआ है, अगर ये 2 है तो 2 और 1 3 आपसे पूछे, और √3 कितना है, 50√3, √3 50√3 है, 3 आपसे पूछा, √3 से गुणा कर दो, 50√3 × √3 150 आंसर आ गया, कितना इजी है। देखो आप √3 का रिजल्ट क्या है, 50√3 है, तो 1 का रिजल्ट कितना हुआ 50। अब देखो 1 और 2 टोटल हाइट कितनी है, 1+2, ये कितना है, 3 रेशो चाहिए अपने को, कितना रेशो चाहिए, 3। हमें ये पता है कि √3 रेशो का जो मान है, √3, या आप इसको ऐसे देखो आप, ये भी मत करो आप, इतना भी करने की ज़रूरत नहीं, √3 रेशो का मान कितना है, 50√3 मीटर, ये वाला मान ये है, आपको क्या चाहिए, 3। मैं आपको कह रहा हूँ कि 3 लेके आओ आप, √3 से 3 कैसे लेके आओगे, ये रेशो है जो सर्किल में लिखा हुआ, ये रेशो है, जब आप इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, जब आपने इसको √3 से मल्टीप्लाई किया तो ये वाला नंबर भी तो √3 से मल्टीप्लाई होगा, 50√3 ये हो गया 3, 50 × 3 कितना हुआ 150 मीटर, इस क्वेश्चन का आंसर
जो आपको आपने तीन स्टेप में किया, पहले ये निकाला, फिर ये निकाला, फिर ये निकाला, दोनों का ऐड किया। मैं कह रहा हूँ कि अंडर रूट तीन ये है, आपको तीन निकालना है, अंडर रूट तीन से तीन, अंडर रूट तीन से मल्टीप्लाई, 50 अंडर रूट तीन, इनटू अंडर रूट तीन, 150 आंसर। इस तरीके की स्किल आपकी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की होनी चाहिए, फिर देखो आपके नंबर आएंगे या नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, नोट कर लो आप इसे। अब एक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे कोई एंगल यहाँ बनता है, पहले 60 डिग्री, फिर आप उस पॉइंट से दूर चले गए, जैसे आप दूर जाओगे तो एंगल कम हो जाएगा, किसी ऑब्जेक्ट से दूर जा रहे हैं आंखों पे कम प्रेशर आ रहा है तो एंगल क्या होगा, कम। पास में जाओगे आंखों पे प्रेशर ज़्यादा आएगा तो एंगल ज़्यादा होगा। अगर आप दूर जाओगे तो ये 60 से कम हो गया, ये कितना हो गया 30 डिग्री। अगर इस तरह की सिचुएशन बन रही है तो इसका जो रिजल्ट होता है वो होता है अंडर रूट तीन, ये होता है एक और ये होता है दो, ये वाला मान दो, ये एक और ये अंडर रूट तीन। पहले मैं आपको इसका प्रूफ बता देता हूँ कैसे होगा, फिर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपको ये याद रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है रिजल्ट। सबसे पहले इसके मार्किंग करते हैं, देखो आप इसका नाम रख दो, ये है ए, ये है बी, ये है सी और ये क्या है डी। चलो पहले आपको इसको अलग से समझाता हूँ, देखो आप, ताकि आपको ये क्लियर हो ये कैसे आया। अंडर रूट तीन, एक और दो, देखो पहले समझो आप, क्योंकि ये क्लियर होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं क्वेश्चन। ये 60 डिग्री है, ये आपका अंडर रूट तीन है। देखो 60 डिग्री आते ही पहले आप इस ट्रायंगल में देखो, आपको ये पता लगेगा कि ये अंडर रूट तीन है और ये एक है। फिर आपके दिमाग में है 30 डिग्री, ये वाला 30 है, 30 आते ही ये एक होता है, ये अंडर रूट तीन होता है, मतलब ये वाला मान इसका अंडर रूट तीन गुना है। एक अंडर रूट तीन था अगर आपको ध्यान हो तो, अगर ये अंडर रूट तीन है, अंडर रूट तीन से गुणा किया तो ये पूरा तीन है और ये एक है। तो अब आप बताओ ये बचा कितना, दो। तो ये रिजल्ट हो गया आपका एक, ये दो और ये कितना हुआ अंडर रूट तीन, ये तो रिजल्ट आया। आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनाओ आप। जैसे कोई व्यक्ति है वो टावर के साथ मान लो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का। यदि वह टावर से, यदि वह इस बिंदु से 40 मीटर दूर जाता है, 40 मीटर दूर जाता है तो यह एंगल 30 डिग्री हो जाता है। यह एंगल कितना डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री, 40 मीटर दूर जाता है। तो अब आपको ये बताना है उस टावर की हाइट क्या है, ये वाला क्वेश्चन। अब आपको पता लग गया कि ये 60 डिग्री है, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये एक होगा, ये रेशो, ये वाला मान दो है और ये मान कितना है, अंडर रूट तीन। अब आप देखो ये दो 40 के बराबर है तो एक का मान कितना हुआ, 20। अगर एक 20 है तो ये वाला, अगर 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आंसर कितना आया, 20 अंडर रूट तीन मीटर इस क्वेश्चन का हो गया आंसर। इस क्वेश्चन को करने का एक दूसरा तरीका भी था, आप इसको ज्यामिति से भी कर सकते हैं, इसको ज्योमेट्री कंसेप्ट पे भी कर सकते हैं। कैसे, ये भी क्लियर कर देता हूं मैं आपको, ज्यामिति से कैसे आपने डायग्राम बनाया, ये बहुत इजी। और कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा, कैसे लगी आपको ये क्लास, क्वेश्चन खुद बना रहे हो आप, अलग ही मजा उस चीज का। ये 60 डिग्री है और ज्यादा से ज्यादा लाइक किया करो भाई आप, अगर आपको पसंद आ रही हैं चीज़ें लाइक किया करो। लाइक में किस चीज़ की कंजूसी, या कंजूसी करते रहोगे ज़िंदगी भर। अब ये 60 डिग्री है, देखो आप 60 डिग्री किसी भी त्रिभुज का, जैसे ये वाला त्रिभुज बनाया, ये बाह्य कोण जो होता है वो आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो इसका मतलब इसका और इसका जो टोटल होगा वो यहाँ है। अगर ये 60 है तो इसका मतलब यहाँ जो मान आएगा वो 30 आएगा, क्लियर है। ये 30, ये 30 हो गया, ये 30, तो इसका मतलब ये वाला मान कितना है, देखो आप ये वाला मान जो है यहाँ कितना था, 40, ये मान है 40। अगर ये 40 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने वाली भुजा ये और इस 30 के सामने वाली भुजा सेम होगी, ज्यामिति कंसेप्ट। ये कितना हुआ, ये भी 40 मीटर हुआ, ये एक्चुअल में हुआ। अब ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री आते ही ये अंडर रूट तीन है, ये आपका एक है और ये मान दो है। ये दो 40 है तो एक का मान कितना हुआ, 20। ये आपसे पूछा है, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आया, 20 अंडर रूट तीन आपका आंसर फाइनल आ गया मीटर के अंदर, ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसकी सेकंड लैंग्वेज पढ़ो आप क्या है। देखो कोई व्यक्ति 60 डिग्री का जब कोण बनाता है, जब एंगल 60 से 30 डिग्री होता है, इसकी लाइन देखो आप ऐसे पढ़ो, इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। इसकी लैंग्वेज होगी, जब एंगल 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो छाया की लंबाई, छाया की लंबाई लेंथ ऑफ शेडो 40 मीटर बढ़ जाती है। आपको हाइट बतानी है उस टावर की क्या है,
ये क्वेश्चन भी हो सकता है। अब आप बताओ कि 60 से 30 हुआ तो छाया की लंबाई 40 कैसे बढ़ी? मान लो इस जगह पर छाया की लंबाई यहाँ है, मान लो ये लंबाई जो है वो 60 है, जैसे आपने 30 बनाया तो 60 प्लस 40 ये 100 हुआ, पूरा 100 है, ये 60 है, तो ये वाला मान तो 40 ही हुआ। दोबारा से समझो, आप ये वाला मान है मान लो 80 और 30 बनाया तो 40 बढ़ गई, पहले 80 था फिर बढ़ी 120। अब 120 में अगर 80 माइनस करोगे तो ये मान कितना आएगा? 40। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, इसकी लैंग्वेज ये भी हो सकती है, अभी मैंने जो आपको बताया था कि वो 40 मीटर दूर गया, ये भी लैंग्वेज हो सकती है। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता कि एंगल 30 से 60 हो गया, 30 से 60 हो गया, लेंथ 40 मीटर कम हो जाएगी, तब भी यही 40 होगा, क्योंकि लेंथ पहले ज़्यादा है अब कम है। अगर एंगल 30 से 60 हुआ तो लेंथ होगी कम, अगर 60 से 30 हुआ तो लेंथ होगी ज़्यादा। यहाँ क्वेश्चन में साफ लिखा होगा कि 40 मीटर दूर जा रहा है या 40 मीटर पास में आ रहा है। ये क्वेश्चन चार तरीके से लैंग्वेज में बन सकता है, इसमें आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपको दूंगा असाइनमेंट, उनके आंसर आपको बताने। आप NTPC को यूँ कर दोगे आप चुटकियों के अंदर क्वेश्चन सॉल्व, अगर आपके ये पॉइंट सारे के सारे क्लियर है। क्लियर है? आप इसे नोट करो एक बार। तो आज के जो क्वेश्चन है असाइनमेंट, ये आप देख लो आपके स्क्रीन पे ये चल रहे हैं, ये आपको इनके आंसर बताने हैं। और इनके आंसर के साथ साथ इन क्वेश्चन की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, उसके अंदर सारे क्वेश्चनों की PDF मिल जाती है। किस नाम से है? मनदीप मैथ्स नाम से है, और उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगा आपको और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट बहुत अच्छे से अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू, धन्यवाद।